Hello student, today we are going to start our next chapter of English textbook of class 3, that is chapter number 2, Little Tom Swear. इस चैप्टर में हम एक छोटे से लड़के जिसका नाम टॉम स्वेयर है उसके बारे में पढ़ेंगे। टॉम स्वेयर लिव विद हिज आंट पोली। जो टॉम था वो अपनी आंट जिनका नाम पोली था उनके साथ रहता था। हिज कजन सोफी एंड जॉन आल्सो लिव देयर। उनके जो कजन थे, कजन ब्रदर थे, वो भी उसके साथ वहां रहते थे जिनका नाम सोफी और जॉन था। टॉम वॉज ऑलवेज बिजी इन डूइंग प्रैंक। जो टॉम था वो हमेशा बिजी रहता था, यानी व्यस्त रहता था प्रैंक करने में, यानी मस्ती मजाक करने में वो हमेशा बिजी रहता था। ही लाइक टू डू एडवेंचरस थिंग। उसे एडवेंचरस चीजें करने में बहुत मजा आता था। ये मतलब उसे साहसी काम करना बहुत अच्छा लगता था। लाइक मतलब पसंद था। वन डे ही टीज सम ऑफ हिज क्लासमेट। एक दिन उसने अपने कुछ सहपाठियों को, यानी कक्षा में जो उसके साथ पढ़ते हैं, उनको टीज किया, यानी उनके साथ मस्ती की, मजाक किया। जॉन डिडंट लाइक इट। जो उसका भाई था जॉन, उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एंड कंप्लेन टू आंट पोली। और उन्होंने आंट पोली से कंप्लेन कर दी, शिकायत कर दी। आंट पोली डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। जो आंट पोली थी उन्होंने डिसाइड किया, यानी निर्णय लिया कि वो उसे एक लेसन सिखाएंगी, यानी उसे पनिशमेंट देंगी। वन डे मॉर्निंग, एक दिन मॉर्निंग में आंट पोली टोल्ड हिम टू वाइट वॉश द फेंस। जो आंट पोली थी उन्होंने टॉम से कहा कि तुम इस दीवार को रंगो, यानी इस जो फेंस है, फेंस क्या होता है स्टूडेंट, हमारे घर के चारों तरफ एक दीवार बनी होती है जिससे कोई अंदर या बाहर नहीं आ सकता, उसे हम कहते हैं फेंस। तो टॉम को कहा कि तुम इस फेंस को रंगो, यानी इस पे व्हाइट वॉश करो। टॉम फील वेरी पैथेटिक एज अदर बॉय वर प्लेइंग एंड स्विमिंग। जो टॉम था उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, सैड फील कर रहा था, बिकॉज क्योंकि जो बाकी सारे लड़के थे वो खेल रहे थे और स्विम कर रहे थे, यानी तैर रहे थे। ही वॉन्टेड टू keep himself away from the work. वो चाहता था कि वो इस काम से दूर हो जाए, इस काम को ना करे। But he had to finish the work. लेकिन उसको उस काम को finish करना ही था, as soon as possible, जितनी जल्दी हो सके। So Tom start white washing the fence. इसीलिए जो Tom था उसने उस दीवार को white wash करना शुरू किया। His friend Dick happened to see him there. उसकी जो फ्रेंड था वो बहुत ज्यादा उसका फ्रेंड डिक, टॉम का फ्रेंड जिसका नाम डिक था, वो बहुत ज्यादा आश्चर्य में हुआ जब उसने उसको वहां पे देखा, टॉम को वहां पे देखा। He was eating an apple. जो डिक था वो एप्पल खा रहा था। Though Tom saw Dick, he pretended to take no notice of. हालांकि जो टॉम था उसने डिक को देख लिया था, लेकिन टॉम ने ऐसा दिखाया कि उसने डिक को देखा ही नहीं। डिक saw him to do white wash very nicely. डिक ने देखा कि जो टॉम है वो दीवार को बहुत ही अच्छी तरीके से रंग रहा है। He showed his interest to white wash with him. उसने ये दिखाया, यानी डिक ने दिखाया कि उसको भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इस दीवार को व्हाइट वॉश करने में। उसके साथ मिलके वो भी दीवार को वाइट वॉश करना चाहता है। कौन करना चाहता है स्टूडेंट? डिक जो है वो टॉम के साथ मिलकर दीवार को वाइट वॉश करना चाहता है। डिक ने ऐसा टॉम को दिखाया। हाउएवर, लेकिन जो टॉम डिडंट लेट हिम टू डू, टॉम जो था वो डिक को ऐसा नहीं करने देना चाहता था। इट वॉज नॉट ईजी टास्क। टॉम ने डिक को कहा कि ये काम ईजी नहीं है, ये काम बहुत डिफिकल्ट है। Everyone couldn't do it. सभी ये काम नहीं कर सकते। Dick requested Tom, जो Dick था, उसने Tom से request की, अनुरोध किया, to give him to whitewash the fence, कि वो भी उसे दीवार को रंगने दे, दीवार को white wash करने दे। At last, बाद में Tom allowed him to do it. जो Tom था, उसने Dick को allow किया, ठीक है, तुम कर लो।
डिक गेव हिम हिज एप्पल इन रिटर्न। जो डिक था उसने अपना एप्पल टॉम को दे दिया। डिक मैनेज्ड टू वाइट वॉश द फेंस। टॉम रेस्टेड इन शेड ऑफ ट्री एंड एट एप्पल। जो डिक था वो दीवार को वाइट वॉश करने लगा, दीवार को रंगने लगा। जो टॉम था वो पेड़ की छांव में रेस्ट करने लगा, आराम करने लगा और एप्पल को खाने लगा। लेटर हिज फ्रेंड ऑल्सो अराइव एट द प्लेस। बाद में उसके कुछ और दोस्त यानी टॉम और डिक के और दोस्त उस जगह पर आ गए। ही टुक मैनी थिंग्स फ्रॉम देम। जो टॉम था उसने अब उन दोस्तों से बहुत सारी चीजें ली। दीज थिंग वर, ये चीजें क्या क्या थी स्टूडेंट? मार्बल यानी पत्थर, टॉयज यानी खिलौने, पीस ऑफ चॉक, चॉक के कुछ पीसेस, काइट यानी पतंग। टॉम अलाउड दीज बॉय टू जॉइन द डक डिक इन व्हाइट वॉशिंग द फेंस। और फिर टॉम ने उन बॉयज को भी अलाउ कर दिया, मींस जो उसके दोस्त बाद में आए थे उन्हें भी परमिशन दे दी कि ठीक है तुम भी डिक के साथ दीवार को व्हाइट वॉश कर सकते हो, रंग सकते हो। टॉम कीप हैविंग रेस्ट। और टॉम जो है वो आराम करने लगा। इन दिस वे, इस तरीके से टॉम कन्वर्टेड हिज पनिशमेंट। टॉम ने अपनी पनिशमेंट कन्वर्ट की फन में, मस्ती में, फ्रोलिक यानी मजाक में। ही आल्सो इंडीडेड प्रैंकस्टर एंड क्लेवर बॉय। और वो जो था, वो जो टॉम था उसे क्लेवर बॉय यानी चालाक बॉय और प्रैंकस्टर वो बना रहा। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं जो आप सर्च करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे पहला वर्ड है अ ट्रिक दैट इज प्लेड ऑन समबडी एज अ जोक। वो जोक्स, वो ट्रिक जो किसी पे प्ले की जाती है जोक की तरह। सैड यानी दुखी, दुखी का क्या, दुख होना का क्या वर्ड हो सकता है? प्लेइंग लीवली, साथ में खेलना, उसका क्या मतलब होता है? इसका आपको वर्ड ढूंढना है, ये आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, चलिए मैं एक बार इस चैप्टर की आपको शॉर्ट में समरी बता देती हूँ। क्या था इस चैप्टर में? ये चैप्टर एक लड़का, एक लड़का जिसका नाम टॉम है, उस टॉम है, उसके बारे में है। टॉम जो है वो अपनी आंट पोली के साथ रहता है और साथ में उसके दो कजन सोफी और जैक जॉन। टॉम जो है वो बहुत ज्यादा प्रैंकस्टर करता था, यानी टॉम जो है वो बहुत मस्ती मजाक करता था। इसीलिए टॉम को पनिशमेंट मिली जो कि उसकी आंट पोली ने दी। उन्होंने टॉम को फैंस को वाइट वॉश करने की पनिशमेंट दी जो कि बाद में टॉम के दोस्त डिक ने उस दीवार को वाइट वॉश किया। और टॉम के और भी दोस्त आए जिन्होंने उस दीवार को वाइट वॉश करने में और डिक की मदद की। तो इस तरीके से जो टॉम था उसने अपनी पनिशमेंट को मस्ती में कन्वर्ट कर लिया।